स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा ने दो युवकों पर लगाया अपहरण का आरोप, पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। स्वाइन फ्लू के संदिग्धों का जिला अस्पताल में हो रहा उपचार, 25 जुलाई को जबलपुर भेजे जाएंगे जांच के सैंपल। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास लोगों ने किया चक्काजाम, नए DIG इरशाद वली ने ग्रहण किया पदभार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला, अमेरिका के एक 14 साल के छात्र ने लगाई फांसी। पानी निकासी समस्या से परेशान चिंदी टोला के ग्रामीण, हैंडपंप के पानी से निकल रहे कीड़े, संक्रामक बीमारियों का सता रहा डर, सरपंच पर लगाया लापरवाही का आरोप। चाइना राखी के विरोध में आगे आए सरस्वती स्कूल के छात्र, रैली निकाल कर लोगों को किया जागरूक। और सावन सोमवार को शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। और अब समाचार विस्तार से। कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किए गए स्वाइन फ्लू के करीब 10 संदिग्ध मरीजों का उपचार वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कटंगी के दो गांव जराह मोह गांव की 25 वर्षीय महिला रुखसार की नागपुर में स्वाइन फ्लू की वजह से मौत के बाद दो बच्चों सहित 7 लोगों को स्वाइन फ्लू का अंदेशा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक S त्रिगाम ने बताया कि स्वाइन फ्लू के संदिग्धों का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। 25 जुलाई को मरीजों का स्वाब टेस्ट के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। इसके बाद स्वाइन फ्लू का उपचार शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट स्पष्ट हो पाएगी। जराम होगा में एक महिला नागपुर में भर्ती थी, उसकी डेथ हुई है। तो हमने बता रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से डेथ हुई करके नागपुर में, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो उनके परिवार के हैं, दो गांव के यहाँ पे गोपका और जराम होगा, तो वहाँ से जो एडमिट किए उनको सर्दी जुकाम है और फीवर हल्का है। शुरू में तो वायरल फीवर जितने भी होते हैं उनमें सेम लक्षण होते हैं, उसमें भी होते हैं, वो भी वायरल ही है, तभी तो कहा नहीं जा सकता उनका। लेकिन अभी यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखें और इनका जो स्वाब लेकर जबलपुर भेजेंगे, वहाँ से जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तभी बोल पाएंगे कि कन्फर्म है या नहीं। सर, प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है किन आधारों पर चल रहा है सर? सिम्टोमेटिक देते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा सर, टोटल कितने लोग यहाँ पर? टोटल 10 लोग हैं। 10 लोग इसलिए स्टार्टिंग लक्षण क्या होते हैं सर, और आम जनता के लिए अपील क्या करेंगे सर आप? स्टार्टिंग लक्षण तो सर्दी जुकाम, गले में खराश होना, बुखार हल्का, फिर वही आगे बढ़ के फिर फैलता है, ज्यादा होगा तो तेज होने लगता है, और बाकी इसमें नहीं होता है। उसमें क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाकी में होते नहीं, बहुत कम होता है। चाइना की राखियों का इस त्योहार में उपयोग ना करने का संदेश देने की मंशा से सोमवार को सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य श्री राहंगडाले ने बताया कि भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें विरोध स्वरूप हमारे द्वारा चाइना सामग्री का बहिष्कार करने के प्रति लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। नहीं खरीदेंगे। भारत माता की वंदे, भारत माता की। आसपास के परिवारों में और संपूर्ण समाज को ये से आह्वान करेंगे कि हम चीनी सामान ना खरीदें, और अभी आने वाले वर्तमान हमारे हिंदू त्यौहार पर्व में रक्षाबंधन में हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक नागरिक किसी प्रकार से जो आने वाली राखियां हैं, जो चीनी राखी आ रही हैं, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि आज जो है चीन हमें अपनी सीमा पर धमका रहा है और हमारे लिए अत्याचार कर रहा है, जो कि हम इसे सहन नहीं करेंगे और हम प्रत्येक चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जागपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम छिंदी टोला में पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण सोमवार को काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। वहां ग्रामीणों ने मुख्य नाली के बंद किए जाने का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि छिंदी टोला में काफी वर्षों से बारिश के पानी के निकासी की समस्या बनी हुई है। नाली के गंदे पानी के एक जगह ही जमा होने के कारण ग्रामीणों को संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा गहरा रहा है। वहीं गाँव के हैंड
हैंडपंप से भी पानी के साथ कीड़े निकल रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं इस समस्या का जिम्मेदार ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच को ठहराया है। दिक्कत वही है कि सब कीड़े मकोड़े है, सांप है, पिटूर है, मकान गिरेगा, पानी घुस रहा है। अच्छा, कब से ये दिक्कत है? ये दिक्कत तो चल रहा है 4-5 साल हो गया। सरपंच को अवगत कराए थे आप? करवाए थे। क्या बोला वो? हवा कहता और कुछ नहीं करता। बीमारी सब बच्चे लोग खाना नहीं खा रहे, सब संडास जा रहे हैं। हीटर पानी हीटर में कीड़े हो गए, हैंडपंप में कीड़े आ गए। हैंडपंप में भी कीड़े आ गए। 7 साल से चल रही है जी, है ना जी? 7 साल से कार्रवाई चल रही है, लेकिन सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते हैं सरपंचों को अवगत भी कराते जा रहे हैं, है ना? दिक्कतें आ रही, अभी वही दिक्कत है साहब कि लड़के बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी की वजह से, और मकान गिर रहा है। रात भर रिक्शा लेकर के हम लोग रहते हैं, बहुत भारी समस्या है कि अब ये मकान कब गिर जाए, दबके हम कब मर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ। जबकि इस मामले में सरपंच लक्ष्मी चंद नकपुरे का कहना है कि वह ग्रामीणों की हर समस्या का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर है। फिर भी मैं गया वहाँ पे, लिखित में नहीं आने के कारण मैं गया, 2 बार नहीं 3 बार गया, 2-4 लोगों को उप सरपंच को लेके गया। नाली अपन निकाल देते हैं तो बोले गांव वालों ने ही मना किए, बोले 6 फीट नाली यानी बहुत गहरी हो जाएगी, यहाँ से बोले जानवर का आना जाना लगा है, किसी के जानवर गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए पैर वैर, बोले आप ही के ऊपर। तो बोले यहाँ से बनाना आप तो पक्की नाली बना लेना, कच्ची मत बनाओ। तो अभी की व्यवस्था में क्या हुआ है? अभी की व्यवस्था में ये हुआ है, जो जिसके प्लाट से पानी जा रहा है उन्हें बोला है कि मैं इस वर्ष पानी जाने दूंगा, आने वाले साल में आप बोले नाली बना लें। लांजी ग्राम करंजा की एक आदिवासी नाबालिग छात्रा ने गांव के 2 लोगों पर उसका अपहरण किए जाने और उसका सौदा किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में लिप्त आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर SP कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नाबालिग छात्रा ने बताया कि माँ के बीमार होने की बात कहकर दोनों आरोपियों ने उसे स्कूल से आमगांव ले गए थे और आरोपी फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से 2 लाख रुपए में उसका सौदा कर रहे थे। वहीं नाबालिग के परिजनों ने बताया कि दोनों ही आरोपी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे, हमारे गांव के थे, वो बताया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसा बोले। मेरी माता से छुट्टी मांगती है और फिर मेरे को बताए लांगी में एडमिट है बोले। तो फिर मैं साइकिल निकल रही थी अपने घर जाने के लिए, तो बोलती है कहाँ जाएगी, बोलती है हमारे साथ चल, बोलती है हम भी जा रहे हैं, बोलती है। तो फिर उसके साथ गाड़ी में बैठे तो उसने आमगांव की तरफ गाड़ी ली जाई, तो मैं सोचिए वहाँ से हमारे गांव जाते हैं, तो मैं फिर पुलिया के पास रोके, तो मैं बैग दे रही थी किसी पार्सल वाले को, तो मैं बैग में पैसे थे कुछ थाम थे इसलिए मैं बैग नहीं दी। तो फिर मैं रोने बैठ गई कहाँ जा रहे हैं बोलती है। तो वो बोलती है पैसे, मैं रो रही थी तो किसी को फ़ोन किया और बोल रहे थे पैसे जल्दी लाओ लड़की आ गई है, आओ ऐसे बोल रहे थे। और फिर मैं रो रही थी तो मेरे को रोएगी तो तेरे को मारेंगे ऐसे बोल भी रही थी। तुम पहचानते हो उनको? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? नाम है आपका? कुशवंती मड़ावी। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा बताएंगे? ये घटना 17 तारीख को मेरी बेटी स्कूल गई 10वीं। हाँ, क्या हुआ फिर? फिर मैं बरा लगाने खेत चले गई, इनके पापा बाहर कमाने के लिए गए, वो स्कूल गई और मैं गई परा लगाने के लिए। परा लगाने गई फिर शाम में आई 6 बजे, तो ये बच्चे मेरे को उतने समय बताई 6 बजे कि मम्मी मेरे को लेके गए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे कि मेरे को आकांग बीमार है ऐसे बोले और आमगांव लेके गए थे। कौन लेके गया था? झूलन भाई मेसराम और धनेश्वर बापू। अच्छा। वो लेके गए थे ऐसे बोली, तो मैं फिर वही मामले का संज्ञान लेते हुए SP अमित सांघी ने धारा 164 के तहत नाबालिग लड़की के बयान दर्ज करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। ये नाबालिग जो करेजा थाना लांजी की रहने वाली है, इसका ये कहना है कि 17 तारीख को ये जब स्कूल में थी तो गांव के ही एक महिला और पुरुष आए और इसको ये बोल के कि इसकी माँ बीमार है हमारे साथ चल चलो, तो ये इसको आम गाँव तक लेके गए और फिर थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दिया। लड़की इससे ज़्यादा भी और कुछ नहीं बता रही है, इसके 164 के बयान अभी कोर्ट में होने हैं, और किंतु चूंकि नाबालिग से जुड़ा मामला है इसमें तत्काल थाना लांजी में FIR दर्ज कर ली गई है
और आरोपियों की संभवतः आज अरेस्टिंग हो जाएगी और इनकी अरेस्टिंग होने के बाद और वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये मतलब इस प्रकरण में मूल बात क्या थी। वारासिवनी के ब्राह्मण समाज के लोगों ने 24 जुलाई को थाना पहुंचकर समाज पर व्हाट्सएप के माध्यम से टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में ब्राह्मण समाज के अनूप चौबे ने बताया कि वारासिवनी निवास समाज पर टिप्पणी करने से समाज में आक्रोश है। उन्होंने युवक पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस का कोई ग्रुप है उसमें और बहुत से ग्रुपों में, नंबर 14 का लड़का है और वैसे आप जानकारी के अनुसार थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति का ही लड़का हो और उसने बहुत ही अश्लील मैसेज ब्राह्मण समाज को पर कुठाराघात करने के लिए और समाज को इंगित करते हुए और समाज के लोगों को आहत पहुंचाने वाला इतना गंदा मैसेज पोस्ट किया है और उसमें ब्राह्मणों के बारे में अश्लील बातें लिखी गई हैं, ब्राह्मणों के विद्वत्ता के बारे में अश्लीलता बातें कही है और भी ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी गई है ब्राह्मणों के बारे में जो निश्चित ही निंदनीय है और ऐसा ब्राह्मण समाज के बारे में, ऐसा किसी भी समाज के, ब्राह्मण समाज ही नहीं, किसी भी समाज के बारे में, किसी भी समाज के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समाज, किसी भी जाति के बारे में किसी को भी इस प्रकार के मैसेज नहीं करना चाहिए जिससे समाज का सौहार्द बिगड़े, समाज में विद्वेष फैले और समाज में जो बंधा हुआ भाईचारा मिटे और समाज में विवाद उत्पन्न हो और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, लोग कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर हों। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ थाने में इस बात की FIR लिखाने आए हैं और अगर तत्काल उसके खिलाफ FIR नहीं होगी तो निश्चित ही भयंकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो जाएगा और अभी तो नगर के बहुत कम टाइम में सूचना हो पाई है और आग की तरह ये पूरी बातें फैल रही है और अगर ये जल्दी FIR दर्ज नहीं हुई तो पूरा ब्राह्मण समाज नगर का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का, क्या पूरा प्रदेश में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो जाएगा जिससे कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन करने आए कि तत्काल ऐसे आरोपियों को के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की। वारासिवनी के SSP कॉलेज के पूर्व NCC के कैडेट्स द्वारा एक संगठन का गठन किया गया। उड़ान नामक इस संगठन के गठन का ऐलान करते हुए इस संगठन के अध्यक्ष दीपेंद्र गिरी ने संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी। मैं दीपेंद्र गिरी गोस्वामी, 2006 पास आउट SSP कॉलेज से, NCC सर्टिफिकेट। तो किस संबंध में ज्ञापन सौंपे आपने? हमने अभी जो प्राचार्य को ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोगों का जो भूतपूर्व छात्र थे NCC के, उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है उड़ान और उड़ान के माध्यम से हम NCC के छात्र छात्राओं को संगठित करना चाहते हैं ताकि देश के लिए देश प्रेम की भावना को सिर्फ NCC के कैडेट्स में ना हो बल्कि कॉलेज के अन्य छात्र छात्राओं में भी जो भावनाएं हैं देश प्रेम की वो जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश के लिए कुछ कार्य करने की इच्छा रखें। इस चीज़ को हम लोग कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी जब हम दोबारा पुराने छात्र जब हम लोगों ने मिले तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए किसी न किसी रूप में अगर हम अपने जीवन का थोड़ा सा भी योगदान देते हैं तो हमारे जीवन का एक अहम महत्वपूर्ण भाग। आपने मुलाकात की है विद्यार्थियों से? जी हाँ, हम लोगों ने विद्यार्थियों से मुलाकात की। वर्तमान के जितने भी विद्यार्थी हैं NCC के, सबसे प्रथम चरण में हमने जो NCC के विद्यार्थी थे उन लोगों से मुलाकात की है। उसके बाद अगली स्टेप में हम लोगों का सेकेंड द्वितीय चरण ये था कि हमने प्रिंसिपल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनको लिखित सूचना दी है कि इस तरह का एक संगठन बनाया गया है जिसमें हम आगे भविष्य में सिर्फ NCC के छात्रों को ना जोड़ करके अन्य जो छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी उस ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा आपके आगे के कार्यक्रम में? हम सबसे पहले तो अभी हम कारगिल विजय दिवस मनाना चाहते हैं जो कि अभी 26 जुलाई को है, है ना? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को था तो उस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं कॉलेज से और उसको लेकर के हम तिरंगा यात्रा करते हुए जयस्तंभ चौक पर एक ध्वजारोहण करना चाहते हैं।
समय क्या रहेगा? समय उसका करीब 11-12 बजे के समथिंग में रहेगा यहाँ से। उसके लिए अभी अनुमति लेना बाकी है, अनुमति ली जाएगी। तो उड़ान एक संगठन का गठन करना चाह रहे हैं, तो अभी यहाँ शुरुआत हो गई कि नहीं है? जी हाँ, उड़ान संगठन की शुरुआत हो चुकी है। सारे छात्र छात्राएं अभी संगठित हो चुके थे, अभी हॉल में अभी लोगों ने ब्रीफिंग भी दिया हुआ है, और उसके बाद अभी हम बाकी के जो अदर छात्र छात्राएं उन लोगों को भी लेकर के ब्रीफ करना चाहते हैं। वारासिवनी पुलिस द्वारा दो चोरों को चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गायखुरी निवासी नीलेश चौधरी और हुलेश बरकड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों चोरों से पूर्व में की गई चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। ये दो लोग हैं, नीलेश चौधरी और उसका साथी हुलेश बरकड़े। ये दोनों जो है चोरी की योजना बनाते हुए चोरी के औजार लिए हुए, इनको जो है कायदी काली मंदिर के पीछे जो थोड़ा जंगल है, घनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो है पकड़ा गया है। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई है तो थाना क्षेत्र में जो पुरानी भी नकबजनी हुई थी वो इनने वारदात करना कबूल किया है, और उस चोरी में मोबाइल और एटीएम कार्ड और पैसे जो थे वो इनसे बरामद हुए हैं। और इसके अलावा इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड थाना तरोड़ी का है, और ये पहले जो है भरवेली थाना क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। सर, के पाँच दिन पूरे जो मंदिर और जो दुकानों में चोरी हुई उनमें भी कहा थे? नहीं, उसके संबंध में पूछताछ की गई इनसे, वो चोरी इनने करना नहीं बताया। अच्छा, वारासिवनी के कोई मामले एक आदमी इनकी फलित का कोई? हाँ, ये जो है जगलाल ठाकरे के यहाँ जो चोरी हुई थी 12 में, वो एटीएम कार्ड और पैसे और मोबाइल चोरी किया था, वो इनसे बरामद हो गया। वाला में सर कहाँ के रहने वाले हैं ये जो है? इसमें से एक नीलेश चौधरी जो है ये गायखोरी का रहने वाला है और बालाघाट का, और हुलेश जो बरकड़े ये झालीवाड़ा का रहने वाला है, लेकिन ये किराए से जो है गायखोरी में ही रहता, आसपास के ही रहने वाले हैं दोनों। तो रिमांड कब तक लिया गया? और इसमें रिमांड अभी जो है 4 तारीख। रूपझर के पास एक बेलगाम कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में गोहारे निवासी डॉक्टर यशवंत हाड़के घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बालाघाट से स्थानांतरित होकर रीवा जा रहे डीआईजी एनपी बरकड़े का यहां के छात्र छात्राओं से काफी लगाव रहा है। यहां से कार्यमुक्त होकर जा रहे डीआईजी श्री बरकड़े ने 24 जुलाई को ढीमा टोला स्थित शासकीय माध्यमिक शाला पहुंचकर वहां के बच्चों को डिक्शनरी प्रदान की। आपको बता दें, इस वर्ष एक कार्यक्रम में श्री बरकड़े इस स्कूल में पहुंचे थे, तभी उन्होंने बच्चों को डिक्शनरी देने की मंशा बना ली थी। ये आपका जो है मिल बांट के बाचो प्रोग्राम में यहाँ पे मैं आया था, और यहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी टैलेंट थे, बातचीत वगैरह किया था, काफ़ी होशियार थे, और उसी समय मुझे ये लगा कि यहाँ के लड़कों को जो है प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहन करने से हो सकता है कि उन बच्चों को जो इनाम मिलेगा प्रथम द्वितीय तृतीय जो फर्स्ट आए हैं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में, वो इससे जो है प्रेरित होकर के और अच्छा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से जो है हमने ये इनाम वगैरह और अच्छा अंग्रेजी का जो ज्ञान बढ़े इसमें उसके लिए भी हमने डिक्शनरी वगैरह दी है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को इस बारे में? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे जो है आगे बढ़िया सोचें और आगे बढ़ें और खूब बढ़ें और उन्नति करें, और अपने क्षेत्र की, गांव की, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ें, अपने बुजुर्गों का और अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान करने का भाव जो है इनमें जागृत हो। कोतवाली पुलिस ने पिछले सप्ताह नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर स्थित एक मकान से चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित दो चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। इन चोरों ने 17 जुलाई को अलीम कुरैशी के घर में चोरी की थी। ये दिनांक 18/7/17 रात्रि में रजा मोहल्ले में मोहम्मद अलीम पिता अब्दुल अलीम व अब्दुल कलाम के यहाँ एक नकदजनी हुई थी, जो कि ये लोग नीचे खाना खा रहे थे और ऊपर के कमरे में चोरी हो गई। बाद में रात्रि में सर्चिंग किया, उसके बाद फिर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित करके
दो चोरों को पकड़ा है, उसमें से एक नाबालिग है और जो बालिग है उसका नाम है सतीश नेताम। उसमें सोने और चांदी के आभूषण चोरी गए थे करीब 70-80 हज़ार, जिसमें से चांदी और एक मोबाइल जो है उन लोगों से जब्त हुआ है। एक आरोपी इसमें फरार है जिसका नाम रिजवान और कंगी है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और उसको जल्दी पकड़ ली। सर इससे पहले भी कई चोरियों में संलिप्त रहे हैं कि जिस आरोपी को पकड़े हैं? ये सतीश नेताम पुरानी चोरियों में बंद हुआ है और इनके पुराने रिकॉर्डेड भी हैं और अन्य मामलों में। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास बाईपास रोड के सामने काफी दिनों से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। सोमवार को इस गड्ढे की वजह से एक यात्री बस गिरने की स्थिति में आ गई थी, जिसे देख लोग आक्रोशित हो उठे और देखते ही देखते यहां चक्काजाम की स्थिति बन गई। इस गड्ढे की मरम्मतीकरण की मांग को लेकर यहाँ के लोगों ने जमकर आक्रोश दिखाया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। यह चक्काजाम काफी देर तक चलता रहा। चक्काजाम की खबर मिलते ही कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव दल बल के साथ यहां पहुंचे और यातायात बहाल किया। यहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ रहे वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद कमलेश पांचे ने बताया कि इस गड्ढे से परेशान लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। कमलेश पांचे पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 31। सर यहाँ पे चक्का जाम किया गया है ग्रामीणों द्वारा, क्या है ये? बहुत दिनों से यहाँ पर रोड में बहुत बड़ा एक गड्ढा सा हो गया है। दो तीन जो बाईपास रोड जो जाती है इसके पास से भी कॉर्नर के चौक पे बहुत ज़्यादा भयंकर गड्ढा हो गया, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो आए दिन रोज स्कूल के आने जाने वाले बच्चे वगैरह गिरते पड़ते रहते हैं, आज एक स्कूल की बच्ची भी गिर गई थी। इसके लिए हमने दो तीन बार पीडब्ल्यूडी विभाग को भी अवगत कराया गया था कि वहाँ पर कुछ मलमा हो या भरण हो तो वहाँ पर डाल दिया जाए करके, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी बिल्कुल और ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आज एक बस जो थी बस एकदम से करवट ले ली, उस वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान थे। अपने सरेखा के जनता के द्वारा आज वहाँ पर अधिक चक्काजाम किया गया जो पीडब्ल्यूडी होश में आए और क्या मांग कर रही है। मांग क्या है यहाँ के लोगों की, जो इतना गड्ढा है वो गड्ढा यहाँ से मरम्मतीकरण। मौके पर पहुंचे टीआई प्रशांत यादव ने बताया कि यहां दो लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, दोनों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं थी, दो व्यक्ति थे जो शराब पिए हुए थे और गड्ढे में गिर गए थे, उनको उठाया था और इससे से थोड़ा लोग इकट्ठे हुए, इसलिए जहाँ जाम की स्थिति बनी थी। दोनों शराबियों को जो है अभी ले जाके अंडर ट्रायल में पहुँचा दिया गया है, उनका मेडिकल कराएंगे। सर क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? अब ये नगर पालिका के द्वारा ये गड्ढा की भरवाई की जा रही है। इस संबंध में चर्चा करने पर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ जमील अख्तर कहते हैं कि यह गड्ढा आज ही शाम तक भरवा दिया जाएगा। बाईपास सड़क के सामने पे सर ग्रामीण द्वारा चक्का जाम कर दिया गया था, उनकी मांग थी कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है कि ताकि उस गड्ढे को अभी तक ठीक नहीं किया गया। मेरी जानकारी में आज ही आया है कि उस मार्ग पे गड्ढा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जो कि कल हैवी बारिश के कारण कल उसमें गड्ढा ज़्यादा बड़ा हो गया और जानकारी मुझे आज सुबह मिली है। तो उपयंत्री प्रभु कटारे के माध्यम से वहाँ पे सभी स्थायी मजदूरों को भेज के तत्काल शाम तक गड्ढा भरवा दिया जाएगा। सर गड्ढा तो लंबे समय से है जी? गड्ढा लंबे समय से वहाँ पे? नहीं, बहुत लंबे समय से नहीं था, इसके पहले ऐसी कोई शिकायत भी नहीं थी, मैं खुद गया था वहाँ पे। ये अभी दो तीन दिन के अंदर ही जो भारी बारिश हुई है उसमें हुआ है, तो उसको शाम तक ठीक करा दिया जाएगा।
दतिया से स्थानांतरित होकर आए पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली ने सोमवार को डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है। डीआईजी कार्यालय में श्री वली ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन की उपस्थिति में डीआईजी का एनपी बरकड़े से चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद नए डीआईजी श्री वली ने पुलिस अधिकारियों से जिले की स्थिति पर चर्चा भी की। बाद में पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए जनता के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा और नक्सली मूवमेंट पर भी कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि बालाघाट रेंज के डीआईजी एनपी बरकड़े का तबादला रीवा हो गया है और उनके स्थान पर इरशाद वली दतिया से बालाघाट आए हैं। आज ही यहाँ पे कार्यभार संभाला है यहाँ पे और हैंडिंग टेकिंग ओवर हुआ है। अब आपस में डिस्कशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग जनता के साथ अच्छा समन्वय बना के अच्छा काम कर लें। सर अब तक कहाँ कहाँ से हुआ? मतलब मैं सिंगरौली में, मुरैना में, सतना में, दतिया में एसपी रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्थापना। सर बाला में पहली बार आपका? हाँ हाँ, यहाँ पदस्थापना पहली से किया, पहली बार। सर जैसे यहाँ आपकी पदस्थापना दुष्कर्म होगी तो सर क्या किस किस प्रकार कार्यों को आपने? नॉर्मल जो हम लोग पुलिस कार्य है और जो यहाँ पे जो नक्सली मूवमेंट है उसको मॉनिटर करें और जनता का विश्वास लेकर के और अच्छा काम करें। सर कोई ऐसा प्लान तो बनाया होगा कि किस टाइप से हमको काम करना है कि नक्सली तो बताएँ? जनता के समन्वय से ही सब संभव है ना, तो समन्वय अच्छा स्थापित करके और बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। गोवारी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण मंडलवाल और जिला अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने 24 जुलाई को खिलिया मुठिया मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री मंडलवाल ने कहा कि गोवारी समाज की कार्यकारिणी को भंग करने की सूचना निराधार है। कुछ लोग समाज के लोगों को गुमराह कर समाज की एकता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बताइए, मेरा नाम अरुण कुमार, गोवारी समाज प्रांतीय अध्यक्ष। आज किस संबंध में बैठक बुलाई गई थी आपको? आज संबंधित थी, कल मीडिया द्वारा जैसी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि गोवारी समाज की बैठक आयोजित की गई है, प्रांत अध्यक्ष और जिला बालाघाट के अध्यक्ष को निलंबन किया गया। ये समाचार पत्रों में आज पाए और कल न्यूज में हमने देखे, उस संबंध में हमें खंडन करना है। खंडन ये करना है कि जाति समाज में जो काम करता है उसके साथ में स्वाभाविक है कि सबको वो खुश न रख सके। कुछ लोग होते हैं जो उससे खुश नहीं होते, जिसके कारण उन्होंने अपने नाम के कारण ये किसी को बदनाम करने की साजिश रची। अगर हमसे कोई कार्य करने में आपत्ति थी उनको, हमें आमंत्रित करना था बैठक में, हमको आरोप हम पे सिद्ध करना था, हमसे प्रश्न करना था, जबकि उनके द्वारा नहीं किया गया। मैं इसको ना समझता हूँ कि ना समझिए, ना समझ है ठीक है, बोल दिए, लेकिन हाँ कल प्रांत की बैठक बैठा ली गई थी उनके द्वारा, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आपको कार्यमुक्त किया गया है, जब तक आप अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक, क्या कहना है इस संबंध में? प्रांत की बैठक अगर है तो प्रांत के अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। प्रांत के अध्यक्ष को नहीं मालूम प्रांत की बैठक हुई, मैं कैसे मान जाऊँ? हो नहीं सकता, ना लिखित में आई, ना दूरभाष पे आया, ना सूचना दी। जो ये जो आरोप जो लगा रहे हैं और जो कार्यमुक्त किया गया है, क्या मानते हैं आप इसको? ये तो ऐसे ऐसे बैठने से अगर कार्यभूत कर दे तो थोड़ी माना जाएगा, हमारा वायलाज है, हमारा संविधान ये कहता है। वहीं गोवारी समाज के जिला अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने कहा कि 26 जुलाई को आम सभा किए जाने का फैसला बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था। उन्होंने कहा कि आरक्षण के अधिकार देने में शासन द्वारा विलम्ब किया जाता है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम आपका? कमल किशोर राव, जिला अध्यक्ष गोवारी समाज। सर जैसे कल बैठक बैठा ली गई थी इसमें सर निर्णय हुआ था कि आपको हटाया गया है जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देते, क्या मानते हैं आप इसमें? जैसा कि किसी प्रकार की बैठक होती है तो उसकी सूचना चाहे दूरभाष के माध्यम से, चाहे पत्राचार के माध्यम से, या किसी के और पर्सन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि आज आपकी जिला कमेटी की बैठक है या प्रांतीय कमेटी की बैठक है। इस संबंध में मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। कल मैं अपने दौरे पे छिंदवाड़ा गया हुआ था, रात में जब मैं बालाघाट पहुंचा तो गोवारी समाज संगठन की बैठक रखी गई थी जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को अमान्य घोषित कर दिया गया। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूँगा कि किसी पे आरोप जब आप लगाते हैं तो जब तक आरोप ही आपकी जगह पर स्थित नहीं रहेगा तो आप उस पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आज इस टाइप की जो दुर्भावपूर्ण जो नीति हुई है, कुछ हमारे समाज के भाई लोग हैं जो ना समझ लोग थे, उनने आज जिला अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष को बिना बताए इस टाइप की मीटिंग कर लिए और उन पर आरोप लगा दिए, तो ये जितने भी आरोप हैं निराधार हैं। इस संबंध में
पूरी प्रांति कमेटी के बैठक या जिला कमेटी के बैठक रखते, हमारे नगर के पूरे जितने लोग हैं उन लोगों को बुलवाते, बालाघाट के जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष सबको बुलवाते, तब सबके सामने इस आरोप को लगाते, तब इस मान तब कहीं इस भरवेली क्षेत्र के ग्राम अमेड़ा में एक 14 साल के बालक मनीष नेवारे की फांसी लगाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मनीष अपने माता पिता का एक लौता लड़का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 24 जुलाई की सुबह 8 बजे घर के पास फांसी पर लटकी हुई उसकी लाश देखी गई। सूचना मिलने पर भरवेली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और आवश्यक कार्यवाही की गई। मेरा नाम शेषराम राज। कौन मृतक कौन लगता है आपका? मेरा भांजा है मनीष चंद्र। अच्छा ये बताइए कितने साल का ये? ये 15 साल का है। मैं तो वर्तमान में मतलब जो है गांव में नहीं रह रहा हूँ, बालाघाट में ही रह रहा हूँ। मुझे खबर मिलने पे ही मैं अपने गांव पहुँचा भांजे के घर, तब मुझे जानकारी हुई कि वो फंस लगा दिया। क्या कारण लगता है आपको? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। किसने देखा सबसे पहले कि फंस लगा दिया करके? वो घर पे माता पिता ही थे। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम बगदरा से हीरापुर और देवरी से लिंगा मार्ग की हालत जर्जर है। क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर डीवी सिंह से मुलाकात की और इस मार्ग के निर्माण या शीघ्र मरम्मत की मांग की। मेरा नाम मुकेश बघेल है, ग्राम बगदरा से निवासी हूँ। और जो हमारे ग्राम बगदरा से हीरापुर मार्ग गया है उसमें कम से कम 1-2 साल पहले से वो रोड इतनी ख़राब हो चुकी है कि हद से ज़्यादा, और ग्रामीणों को इसमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। और तो हम लोग ने इसमें इससे पहले भी कोशिश की कि ये निर्माण हो, तो अभी मैंने 4-5 महीने इसका निर्माण कार्य चालू किया गया था, जिसमें 100-200 मीटर तक के काम हुआ और उसमें बारीक चिल्लिया पत्थर की बिछा के उसे बंद कर दिया गया। इसमें आने जाने वाले को बहुत समस्या, क्या परेशानी आ रही है सर? उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आज सुबह की एक दुर्घटना, एक 10 चक्का ट्रक गिट्टी का वो फंस चुका है वहाँ पर, और वहाँ से ना पब्लिक जा पा रही है ना कुछ हो पा रहा है। तो आपने किसी को अवगत कराया सर? हम आज वो सब देख करके पूरे ग्रामीण भाइयों को इकट्ठा किए अमेड़ा से, बगदरा से, हीरापुर से, और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया आज। क्या मांग करना चाहते हैं सर? मांग ये कर रहे हैं कि अभी तो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा, पर जैसे तैसे जो हो सके शासन प्रशासन से वो शीघ्रता से अभी ग्रामीणों के लिए सुविधा प्राप्त की जाए। क्या नाम? भाई साहब, परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगदरा से हीरापुर, देवरी से लिंगा, ऐसी कुछ प्रमुख सड़कें हैं जिनसे आवागमन बहुत ज़्यादातर संख्या में होता है। दर्जनों गांव इस सड़कों से प्रभावित होते हैं, दर्जनों गांव के स्कूली बच्चे इन सड़कों से अपने स्कूल जाने के लिए आवागमन करते हैं, और इन सड़कों की हालत अभी की वर्तमान की कंडीशन में बहुत ख़राब हो चुकी है। इसी संबंध में आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से हम लोगों ने मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सड़कों का, उन्होंने ये भी कहा है कि निर्माण तो अभी वर्तमान में नहीं हो पाएगा, लेकिन इन सड़कों का मरम्मतीकरण करके इनके सारे गड्ढे भरवा दिए जाएंगे ताकि ये स्कूली बच्चों के लिए चलने योग्य हो जाए। ये सड़कों की मैं आपको बताऊं कि पिछले विगत कुछ दिनों पहले ही विगत माह में बगदरा से हीरापुर मार्ग का भूमि पूजन किया है, उसके बाद ठेकेदार के द्वारा कुछ दिनों तक लगभग 400-500 किलोमीटर तक रोड को खोद दिया है, चिल्ली फेंक दिया है, उससे और सड़क की हालत ख़राब हो गई। हमारा ये कहना था कि अगर आपको अभी निर्माण ही नहीं करना था तो उस सड़क को जैसी थी वैसी ही रख देना था, तो कम से कम वो चलने योग्य थी। सावन मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं शिव भक्तों ने वेनगंगा के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया। नगर के आधा सैकड़ा से अधिक शिव भक्त सोमवार की सुबह शिव साई मंदिर पहुंचे। यहां से वे कावड़ लेकर वेनगंगा नदी पहुंचे, फिर कावड़ में जल भरकर वापस शिव साई मंदिर पहुंचे। यहां शिव जी का अभिषेक किया गया। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा, चल कांवरिया, चल कांवरिया, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा, चल कांवरिया। ये शिव साई मंदिर से हर वर्ष की तरह निकलती है,
कितने लोगों का जत्था? ये करीब 50-60 लोगों का जत्था रहता है हमारा, जो हर वर्ष आते हैं, और नए नए लोग भी हमारे साथ में इस कांवड़ यात्रा में जुड़ रहे हैं। क्या उद्देश्य को लेकर के निकालते हैं हम? हम सिर्फ ये सावन के महीने में निकालते हैं भगवान भोलेनाथ की सेवा के लिए। और क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? उसके अलावा मंदिर में अन्य कार्यक्रम रहते हैं, आर्थिक शिवलिंग बनाई जाती है, अपना क्या कहते हैं इसके कांवड़ यात्रा के बाद में आरती करके सारे सदस्य लोग जाते हैं भोलेनाथ की। ये सावन का तीसरा सोमवार है, क्या महत्व रखता है ये तीसरा सोमवार? इसी प्रकार सावन मास के तीसरे सोमवार को आंवलाझरी से भी शिव भक्तों का जत्था वेनगंगा नदी पहुंचा। आपको बता दें, यहां भक्तों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया है। सोमवार को इन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया गया और नदी से जल भरकर वापस आंवलाझरी पहुंचे। यहां शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी का अभिषेक किया गया। मंडल आंवलाझरी। अच्छा, कब से बनाना स्टार्ट किया था? हमारा 5 साल चालू, 5वां साल। ये 5वां साल है। आप कौन से मंदिर में मनाते हैं? शिव मंदिर में। क्या होने के ये है कि शिव जी की यात्रा शुभ निकाले जाए और शिव जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर कोई की मनोकामना को शिव जी पूरा करें। अब तो सावन के महीने में, सावन या सोमवार को ही करते हैं या सावन भर चलते? सावन भर तो चलते रहता है, लेकिन सोमवार को अवश्य करते। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 24 जुलाई को रानी अवंतीबाई चौक में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले का दहन किया गया। इस संबंध में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अशोकनगर में भाजपा के विधायक गोपीलाल यादव ने ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया था, लेकिन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे ट्रामा सेंटर को गंगा जल से धुलवाकर अनुसूचित जाति का अपमान किया है। आज ज्योतिराज सिंधिया जी का पुतला जलाया, किस लिए जलाया? कांग्रेस पार्टी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारे दलित विधायक सम्माननीय जाटव जी का अशोकनगर में अपमान किया। उन्होंने एक ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने उस ट्रामा सेंटर शुद्ध करने का काम इसलिए किया कि हमारे एक अनुसूचित जाति के विधायक, उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। ये कहीं ना कहीं पूरे देश के हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग का एक अपमान है और इसे हम नहीं सहेंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति मोर्चा और हमारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसका कड़ा विरोध कर रहा है और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफ़ी मांगना चाहिए और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पूरी समाज का। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रवीण मेश्राम ने कहा कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुसूचित जाति के विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा उद्घाटित किए गए ट्रामा सेंटर का गंगा जल से धुलवाकर फिर से लोकार्पण किया, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में रहे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुसूचित जाति के विधायक गोपीलाल जाटव जी द्वारा जो ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया, उस ट्रामा सेंटर को उन्होंने पुनः गंगा जल से धुलवाया और गंगा जल से धुलवा कर उसका पुनः लोकार्पण किया। ये धुलवाई, ये अपमान कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो अनुसूचित जाति वर्ग पूरे देश में इसकी घोर निंदा करता है और ये जो निंदनीय अपराध किया है उस अपराध की उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। पूरे देश का अनुसूचित जाति वर्ग 2018 और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को इस देश से की धुलाई कर देगा और भारतीय जनता पार्टी का 2018 और 19 में पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग
समर्थन करेंगे। और कांग्रेस ने जो ये किया है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लांजी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा ने दो युवकों पर लगाया अपहरण का आरोप, पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। स्वाइन फ्लू के संदिग्धों का जिला अस्पताल में हो रहा उपचार, 25 जुलाई को जबलपुर भेजे जाएंगे जांच के सैंपल। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास लोगों ने किया चक्काजाम, नए DIG इरशाद वली ने ग्रहण किया पदभार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलाया सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला, अमेरिका के एक 14 साल के छात्र ने लगाई फांसी। पानी निकासी समस्या से परेशान चिंदी टोला के ग्रामीण, हैंडपंप के पानी से निकल रहे कीड़े, संक्रामक बीमारियों का सता रहा डर, सरपंच पर लगाया लापरवाही का आरोप। चाइना राखी के विरोध में आगे आए सरस्वती स्कूल के छात्र, रैली निकाल कर लोगों को किया जागरूक। और सावन सोमवार को शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। अब पद्मेश न्यूज की ताजा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।